अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे, उसके शीतल मोती जैसे, उसके शीतल तुहिल कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा बालारूण की मृदु किरणें थी, अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, अगल एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई को बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी पर अलख नाभि से उड़ने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन की ये कविता बादल को घिरते देखा है प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही अनूठा वर्णन करती, बादल को घिरते देखा है। इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जो है वो हमें बादल के आने से हिमालय पर्वत के आसपास जो सुंदरता, जो प्रकृति का सौंदर्य बिखरता है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो बताते हैं कि अमल धवल गिरी यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के जो शिखर है वो सफ़ेद सफ़ेद बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और वहाँ जब बादल आते हैं तो और ओस की बूंदें, ओस की जो बूंदें होती है बिल्कुल छोटे छोटे मोती की तरह कमल के फूलों पे, कमल की पत्तियों पर जब वो बूंदें पड़ती हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। और हिमालय जो है उसके कंधों पर बहुत सी झीलें हैं, अर्थात हमें पता है कि हिमालय जो है वहाँ पे बर्फ होने के कारण वहाँ पर झीलों का बहुत बड़ा समुदाय है, तो वो जो झीलें हैं वो जब झील का पानी नीले रंग का बहुत ही स्वच्छ जल वहाँ पर हमें नज़र आता है, और समतल देशों से मतलब बहुत सारे देशों से नदियाँ बहकर आती हैं और वहाँ पर मिलती जाती हैं ये हम देखते हैं, और उन नदियों में झीलों में जो कमल के फूल होते हैं उन कमल के तंतुओं को ढूंढने के लिए हंस को वहाँ पर तैरते हुए हमने देखा है, ऐसा कवि का कहना है कि हंस जो होते हैं वो कमल में जो रेशे होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर तैरते रहते हैं। उसके बाद के अंतरा में वो क्या बताते हैं कि बसंत ऋतु का बहुत ही सुहाना सवेरा था, उस सवेरे के समय बहुत ही मनोरम मंद मंद हवा चल रही थी, और वो उस वक्त जो सूर्य की किरणें थी बहुत ही नाजुक, बहुत ही वो तपिश देने वाली नहीं थी, बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है उसकी तरह वो छोटी बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी, वो किरणें नर्म लग रही थी और स्वर्ण के जैसे लग रहे थे हिमालय के शिखर, स्वर्ण के जैसे उन शिखरों पर जब देखा तो आसपास ही वो शिखर है लेकिन उन्हें एक दूसरे से दूर रहकर ही अपना अपनी रातें बितानी होती है, मीन्स वो साथ साथ ही होते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर होते हैं, और
निशा काल के चिर अभिशापित चकवा चकई इस शब्द के द्वारा वो हमें ये बताना चाहते हैं। झिंगुर की जो आवाजें हम सुनते हैं उसके लिए वो बोलते हैं कि जैसे ही रात आती है ये चकवा चकई का की आवाज हमें क्रंदन वो एक दूसरे से जो बिछड़ जाते हैं सुबह होते ही वो हमें सुनाई नहीं देता। सुबह होते ही जब बिछड़ने से उनका क्रंदन होने लगता है और उस मनोरम जो झील है जो सरोवर है उसके आसपास हरे रंग की घास की बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई दरी बिछी हुई है और उस दरी के ऊपर में उस घास के ऊपर में बहुत से पक्षियों को उनका प्रेम आलाप करते हुए हमने देखा है। जब बादल आते हैं वो ये बताते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे शिखर हैं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि वो खुद का जो आधार है उसको पहचान नहीं पाते देख नहीं पाते इतनी ऊंचाई पे है बिल्कुल उस तरह वो अपने से ही दूर महसूस करते हैं जैसे एक कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी की महक के लिए वो खुद ही बेचैन हो जाता है। वैसे ही महक मिलती है परंतु कस्तूरी उसे मिलती नहीं है उसके लिए वो जैसे बेचैन होकर खुद के ऊपर चिड़चिड़ाहट करता है वैसे ही पहाड़ जो है वो इतने ऊंचे हैं कि खुद अपने को ही पाने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं। यहाँ पर धनपति कुबेर और कालिदास ये दो नाम का स्मरण नागार्जुन ने किया वो ऐसे किया कि बादल जो है कालिदास ने मेघदूत नाम का खंड काव्य लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक यक्ष ने अपनी प्रेयसी के लिए जो संदेश भेजता था जिसे आज हम मैसेंजर कहते हैं संदेश भेजता था वो बादल को उसने बनाकर रखा था। बादल के माध्यम से वो अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता था इसलिए वो बहुत ही बेचैनी से बादलों का की राह देखता था कि वो उसे संदेश देंगे और उसका प्रेयसी का संदेश उस तक पहुंचाएंगे। इसलिए बादलों की जब बात आती है तो कवि नागार्जुन ने कालिदास के मेघदूत का ध्यान किया और वहीं पर कुबेर का भी ध्यान करते हैं याद उन्हें वो बातें आती हैं कि आकाश से जिस तरह गंगा जल बहती है वो तो समझ में आ रही है लेकिन वो मेघदूत जो थे जो यक्ष के संदेश का वाहन करते थे वो अभी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो जाने दो इतना ढूंढने पर भी वो नहीं मिले वो तो एक कवि कालिदास के कल्पना का एक हिस्सा था तो वो नहीं है लेकिन भीषण जाड़े में भी गगनचुंबी जो कैलाश है नभ चुंबिया ने कैलाश पर्वत इतना ऊंचा ऐसा लगता है कि वो गगन को छू रहा है इतने गगनचुंबी कैलाश शीर्ष पर जब मेघ आता है और वो आपस में टकरा कर बारिश करते हैं उस दृश्य को मैंने देखा है बहुत ही मनोरम बहुत ही सुखद बहुत ही सौंदर्यपूर्ण प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण ये दृश्य मैंने देखा है। इस तरह नागार्जुन अपने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को बताते हैं बादल के आने पर क्या क्या खासियत उन्हें नजर आई क्या क्या बातें विशेष उन्हें दिखी और इस दौरान उन्होंने कालिदास और मेघदूत को भी उन्होंने याद किया है। तो साथियों इस तरह हमने देखा कि बादल को घिरते देखने पर नागार्जुन जी ने कितनी अच्छी प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत ये कविता लिखी